इसमें बहुत छोटे छोटे IMD रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए होते हैं, ये सारे के सारे जल गए। और राइट गाइज, ये है हमारा मल्टीमीटर, और इसका यूज हम अक्सर वोल्टेज को नापने में करते हैं या उसका यूज कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस वैल्यू को मापने में करते हैं। और ये अभी जो मीटर है बिल्कुल ऑन कंडीशन में है, आप देख सकते हैं इसका बीप साउंड आपको सुना रहा हूँ। ओहो, क्या मस्त आवाज़ है। लेकिन गाइज, और यहाँ है हमारे पास दिवाली अनार, तो क्या होगा, हम सिंपली दिवाली अनार को नीचे रख कर और इसको ऊपर रख कर और इसमें फिर आग लगा दें, क्या ये जो मीटर है फिर दोबारा रीडिंग लेने के लिए बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और आप लोग इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी मस्त इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसको शुरुआत करते हैं। अब राइट गाइस, यहाँ पे इस दोनों पॉइंट को हम जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद इसका बीप साउंड को चालू कर देंगे। अब देख सकते हैं मीटर का बीप साउंड आने लगा, और अब इसके नीचे रखेंगे अनार, कुछ यहाँ पे इस तरीके से अनार रखकर और इसे ऊपर रख देंगे और फिर इसमें लगा देंगे आग। और राइट गाइस, जब इसमें आग लगाते हैं और मीटर देखते हैं कितना देर तक बीप साउंड इसका आते रहता है। पूरा ही आग पकड़ लिया है। और भाई इसे वही दूर ही रहेंगे क्योंकि इसमें सेल भी है, वो फट भी सकता है, और इसने पूरा इसे जला दिया। और इसका जो बॉडी था प्लास्टिक का था, तो इसीलिए इसे जल्दी पकड़ लिया, अगर मेटल रहता तो और थोड़ा सा सर्वाइव कर सकता था। और राइट गाइस, इस पर पानी मार के इसे बुझा देते हैं क्योंकि ये अभी प्लास्टिक है इसका बॉडी है, तो और देर तक जलते रहता। ओ, और भाई साहब इसका बैटरी का क्या ही बताऊं, ओ अभी बहुत गर्म है। और इसका किट देखिए आप, इसका जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके के हो गया, और इसका फाइबर बॉडी बहुत पकड़ लिया इस सब में। और राइट गाइस, ये अब क्या मापेगा, ये इसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं है कि वोल्टेज को अब मापेगा या कंटिन्यूटी बीप आएगा। इसका कंटिन्यूटी बीप कुछ देर तक आया था, और जैसे इसका फाइबर का बॉडी पकड़ लिया तो इसका बीप भी समाप्त हो गया था, और कुछ इस तरीके का इसका सेल है, और इसका सेल का भी ये हाल हो गया। इसमें बहुत छोटे छोटे IMD रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए होते हैं, ये सारे के सारे जल गए, और जलकर और इसका किट भी जल गया है। ओ, इसमें बहुत बारीकी प्रिंट किया हो रहता है, सारा प्रिंट इसका जल गया। तो राइट गाइस, आई होप कि आप जान गए होंगे कि अगर मल्टीमीटर को हम अनार से जला देंगे तो क्या होता है। ये पूरी तरह से ख़राब हो गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।